कार्यक्रम के पुण्याजक हैं परम गुरु भक्त परिवार बेंगलोर। अर्जित करने के लिए 21,000 से किस समय की सीमाएं हैं? हेलो, समय गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे हो, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे, उनकी दुनिया में हो उनकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे, गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। 21,000 एक दो ढाई पौने तीन और 21,000 रुपया तीन, यह मांगलिक सौभाग्य अर्जित किया है हमारे सम्मानीय श्री मोहित जी जैन तहसीलदार साहब ने, सपरिवार सम्मान उन्हें आमंत्रित करेंगे, कृपया आए और आज के मांगलिक पात्र प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, जो कि निरंतर अभी आगवानी में संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से हमें प्रदान करते रहे, समर्पित हैं। पूरे सम्मान के साथ सपरिवार आमंत्रित, मोहित जी कृपया पधारे और मांगलिक पात्र प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। एक सौभाग्यशाली भक्त और जो आज के इस मांगलिक अवसर पर शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे, कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे? 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 3, 11,111 रुपया 4, 11,111 रुपया 5, 11,111 रुपया 3। यह मांगलिक सौभाग्य अर्जित किया है नौकार महिला मंडल श्री दिगंबर जैन, नौकार आदर्श महिला मंडल दिगंबर जैन नन्हे मंदिर महिला मंडल ने ऐसा सौभाग्य अर्जित किया है। सम्मान श्री नौकार आदर्श महिला मंडल की सभी सदस्यों को आमंत्रित करेंगे, कृपया आए, श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित करें और इसके साथ ही शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य भी वो यहाँ अर्जित करेंगे। नौकार आदर्श महिला मंडल नन्हे मंदिर। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे, धन्य भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे, मैंने शुद्धा गुरु के परण पखारे, धन्य भाग्य हमारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन्य भाग्य हमारे। और नौकार आदर्श महिला मंडल नन्हे मंदिर शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं परम पूज्य मुनि श्री जी के कर कमलों में। जय बोलो द्वादश अंजन वाणी माता की जय। चलिए हमारे बीच में परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित किया। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के यशस्वी कोषाध्यक्ष श्री ऋषभ जी जैन आए और गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं चाहूंगा नन्हे मंदिर अध्यक्ष श्री नवीन जी, पंचायत अध्यक्ष श्री सुधीर जी उनका पट उड़ाकर स्वागत करें, जोरदार तालियों से यशस्वी और बहुत ही मेहनती लगनशील कार्यकर्ता का स्वागत करते हैं। यूं समझें कि ये राम के हनुमान हैं, बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, इनके माथे एक मिनट, नन्हे मंदिर के पदाधिकारी श्री बजाज जी, श्री पारस भवन श्री सुनील जी वेजिटेरियन, श्री शैलेंद्र जी, श्री जितेंद्र जी कपड़ा आए और मित्रों आज हमारा दमोह वासियों का सौभाग्य रहा कि आज एक
निर्यापक श्रवण के बाद दूसरे निर्यापक श्रवण और अब एक नहीं दो नहीं तीन तीन निर्यापक श्रवण दमोह के लिए मिले हैं। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण 108 श्री वीर सागर जी महाराज की भव्य आगवानी दमोह के लिए सौभाग्य से प्राप्त हुई। हम सभी लोग गुरुवर को नमोस्तु करते हैं। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी वाणी से हमें कृतार्थ कर उपदेश दीजिए। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परम् सेवीन्द्रशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवा दीदी अतिशयकारी कुंडल पुर के बड़े बाबा के पूज्य आचार्य भगवन श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की। पूज्य निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। बड़े बाबा के चरणों से विहार करते हुए आज ही प्रातः काल यहां पर आगमन हुआ। गुरुदेव के हमसे दूर जाने के पश्चात यह जो प्रसंग कुंडलपुर में महोत्सव का बना, उस प्रसंग के पश्चात यहां पूज्यवर निर्यापक श्रवण श्री सुधा सागर महाराज जी के चरण छाओं में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में बहुतों का बहुत उपकार है। आज सोच रहे हैं उन उपकारी को हम याद कर ले जिनके कारण आज हम यहां पर विराजमान हैं। सर्वप्रथम जीवन में हमें किसी ने दिशा दी, मार्गदर्शन दिया, तो आचार्य भगवान की महती अनुकंपा रही। उन पूज्य गुरुदेव के उपकार को तो जन्म जन्मों तक हम भुला नहीं सकते। उसके पश्चात ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था तक हमें प्रेरित करने वाले, दिशा दिखाने वाले, समझाने वाले पूज्यवर समय सागर महाराज जी रहे। रामटेक चातुर्मास 93-94 में जब आचार्य भगवान के चरणों में जाते थे तो वे ही हमें सब कुछ समझाते थे। उनके निर्देशन में हमारा धीरे धीरे विकास होता गया और एक दिन वह आया जब हमारे हाथ में मयूर पंख की पिच्छी का।
दीक्षा पाने के पश्चात यात्रा सही मायने में आगे बढ़ना प्रारंभ हुई। मां के गर्भ से जब जन्म होता है वह जीव ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन सही जन्म तो गुरुदेव के चरणों में ही होता है। तो सही जन्म हमारा आचार्य भगवान के कर पल्लवों में पोषित हुआ, वहीं से विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। अब दैगंबरी दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात साधना का क्रम शुरू होता है। संघ में आचार्य भगवान के चरण सन्निधि में लगभग 10 वर्ष का प्रवास रहा। आचार्य भगवान से क ख ग से लेकर के सब कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे वह व्यवहार की शिक्षा हो, चाहे वह निश्चय की शिक्षा हो, चाहे वह सिद्धांत का ज्ञान हो, अध्यात्म का ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो, व्याकरण का ज्ञान हो, चारों ही अनुयोग का ज्ञान हो, और सबसे महत्वपूर्ण परिणामों को कैसे संभाला जाता है, मोक्ष मार्ग में अपने आप को कैसे समता में रखा जाता है, हर प्रतिकूलताओं को सहन करते हुए आचार्य भगवान से सब कुछ सीखने को मिला। 2014 में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमारा पृथक विहार हुआ। संघ में मुनि श्री विशाल सागर जी, धवल सागर जी, तीन का संघ बन करके पृथक विहार हुआ। वहां से सही यात्रा एक प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि पिता के साथ रहते से रहते बालक कुछ ज्यादा सीख नहीं पाता है, क्योंकि वह हमेशा निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता नहीं रहती है, सिर पर पिता का हाथ है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब पिता अपने पुत्र को अपने से दूर भेज देता है तो सही समझ विकसित होती है और दुनिया क्या होती है और दुनिया में हम कितने पानी में हैं, यह भी एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो गुरुदेव के चरणों से दूर रह करके मोक्ष मार्ग कैसा होता है, कैसे चला जाता है, उस पर कैसे साधना की जाती है, सही परीक्षा की शुरुआत तो वहीं से होती है। और धीरे धीरे हम बढ़ने लगे, विहार अलग अलग क्षेत्र में होने लगा। विहार होते होते हम लोग राजस्थान की धरा में पहुंचे और सर्वप्रथम 2015 में पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का चरण सानिध्य का लाभ मिला। बागड़ प्रांत में रहते रहते लगभग 2 माह का प्रवास महाराज जी के साथ में मिला। महाराज जी के साथ में सन्निधि में रहते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। श्रद्धा कैसी होती है, समर्पण कैसे लाया जाता है, प्रभु के प्रति भक्ति कैसी होती है, साधना कैसी की जाती है, यदि ये कहीं सीखने को मिला तो पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी से सीखने को मिला। वो लगभग 2.5 माह का प्रवास हमारे जीवन का अद्भुत प्रवास रहा, बहुत कुछ सीखा। शास्त्रों को पढ़कर के सीखना अलग होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा कैसे होती है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, यदि ये शिक्षा मिली तो महाराज जी के शरण में रहते हुए ही। मोक्ष मार्ग में जब भी कोई साधक निकलता है तो अपनी ही आत्मा की प्रभावना के लिए निकलता है, आत्म कल्याण के लिए निकलता है, क्योंकि साधु का स्वरूप जो होता है
ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते हैं। ज्ञान और ध्यान में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है, लेकिन अभी पंचम काल है, अभी हम लोग वन में एकांत में रह नहीं सकते, कंदराओं में नहीं रह सकते, गुफाओं में नहीं रह सकते। जब चतुर्थ काल होता है तो वहां पर साधु वीरान स्थान में चले जाते हैं, वहां कोई निमित्त नहीं, कोई समाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ साधु और साधु की आत्मा, वहां ध्यान की अवस्था में रहना और ज्ञानार्जन करते चले जाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब बात पंचम काल की आती है, उसमें भी हुंडा और सर्पणी जैसे पंचम काल, और उसमें भी आप जैसे लोग ऐसा कह दे, भौतिकता की जहां चकाचौंध है, क्योंकि आगम में वर्णन आता है पंचम काल में साधु वन में नहीं रह सकता, यदि वह वन में एकांत में रहने लगे तो वह रह नहीं पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा, उसे तो वन के निकट उपवन नसिया समाज के बीच में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है। भीड़ में रह करके भीड़ से पृथक रहने की साधना करना होता है, लोगों के बीच में रहते हुए अपने उस लक्ष्य को साधना होता है। तो पंचम काल में साधना करना चतुर्थ काल की अपेक्षा बहुत कठिन होता है। निमित्तों के बीच में रहते हुए निमित्तों से अप्रभावित रहना हंसी खेल नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि अनादि काल के संस्कार सबके ऐसे बने हुए हैं कि बहुत जल्दी वह निमित्तों की ओर प्रभावित हो ही जाता है, उस ओर चलने ही लगता है, ढुलकने ही लगता है। लेकिन आचार्य भगवान से जो शिक्षा पाई, आचार्य भगवान से जो ज्ञान पाया, और उसके पश्चात पूज्यवर मुनिश्री के चरणों में रह करके जब महाराज श्री को देखा कि महाराज श्री एकदम भीड़ से ही घिरे रहते कि सवेरे से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर शाम रात्रि तक, लेकिन चारों तरफ भीड़ से घिरे रहते हुए भी अपना लक्ष्य कैसे साधा जाता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है साधु का, क्योंकि सबके साथ रहते हुए सबसे भिन्न रहना, निष्प्रह रहना, निर्विकल्प रहना, निमित्तों से अप्रभावित रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है, कठिन साधना होती है। जब हम महाराष्ट्री के बाहरी रूप को देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्री से मिलते हैं तो जो परम वात्सल्य मिलता है और आत्मीयता मिलती है वो कुछ अलग ही प्रकार की हो जाती है। जब जब आप लोग देखते हैं तो महाराज जी बब्बर शेर जैसे दिखते हैं। कोई भी एक नया श्रावक आता है तो महाराज श्री के पास आने में बहुत डरता है, उसे बहुत डर लगता है। वैसे महाराज श्री के सिर में सींग नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो निकटता से महाराज जी से जब मिलता है, उनका वात्सल्य पाता है, उनकी आत्मीयता पाता है, तो बाहरी और भीतरी रूप एकदम अलग ही नजर आता है। वो ये कह करके निकलता है, मैं तो कुछ और ही समझता था, लेकिन यहां आकर के देखा तो यहां आकर के एक नवनीत का गोला ही नजर आता है। और हमारी भी धारणा लगभग ऐसी ही थी, सही कह रहे हैं, जैसे श्रावकों की होती ना, बिल्कुल ऐसी ही धारणा पहले हमारी भी ऐसी थी। लेकिन जब वह बागड़ राजस्थान में महाराष्ट्र का सानिध्य मिला और निकटता मिली और आत्मीयता मिली, तो पूरी की पूरी धारणा सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो भी तक दक्षिण की थी वह पूरी उत्तर की हो गई, जो पहले उल्टी थी एकदम सुलटी हो गई। यदि वात्सल्य यदि कहीं देखना है तो पूज्यवर मुनि चंबर के चरणों में आकर के वात्सल्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वह साधु के लिए हो, चाहे वह श्रावक के लिए हो,
हमारे जीवन का उत्थान यदि कहीं होता है, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, तो उसका सबसे पहला नींव का पत्थर होता है श्रद्धा और समर्पण। बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के हम चाहे कितना भी क्यों ना करते जाएं, कुछ भी क्यों ना करते जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं होती है। सब कुछ बड़ा सुपरफिशियल होता है, ऊपरी सतह पे रहने वाला होता है। और श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा यदि हमें वास्तविक रूप से कहीं सीखने को मिली तो महाराष्ट्री के चरणों में ही सीखने को मिली। जब व्यक्ति इतनी गहरी श्रद्धा से भर जाता है, उसी श्रद्धा का परिणाम होता है, उसी श्रद्धा का चमत्कार होता है। जो कार्य असंभव से लगने वाले होते हैं, वो कार्य अपने आप बड़े आसानी से संभव हो जाते हैं। उसके पीछे यदि कोई राज है तो वह प्रभु के और गुरु के चरणों के भी निकट रह करके श्रद्धा और समर्पण का भाव लाना। जिसके हृदय में, जिसके मन में वो श्रद्धा समर्पण का भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सारी जंग जीत ली, अब कुछ नहीं बचा। 99% सब कुछ जीता जा चुका है, बस 1% रहा है, और वो 1% भी बड़ी आसानी से जीत लिया जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी नींव मजबूत होती है। और जिस भवन की, जिस जिनालय की, जिस प्रासाद की नींव बड़ी मजबूत होती है, भले ही वो भवन बाद में क्यों ना खड़े हो, उसकी चिंता ज्यादा नहीं करना। हमने यदि फाउंडेशन का कार्य कर लिया तो एक ना एक दिन वह भवन अपने आप खड़ा हो ही जाएगा, वह जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा, उसकी यात्रा शिखर और कलश तक हो ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समर्पण के हमारी सारी की सारी साधना एक बाहर की साधना होकर के रह जाती है। बिना समर्पण के हम हमेशा भयभीत से बने रहते हैं, हम हमेशा विकल्पों से उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जिसके मन में वह श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो जब जब हम महर्षि के चेहरे को देखते हैं हर प्रतिकूलताओं में, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर प्रतिकूलताओं में बड़े वो निर्भय से बने रहते हैं, निश्चिंत से बने रहते हैं। तो वह निश्चिंतता और निर्भयता का यदि राज कहीं सीखने को मिला है तो इन्हीं के चरणों में हमें सीखने को मिला है। और उसी का परिणाम है, हम जहां जहां भी गए संघ सहित, चाहे वह फिर उत्तर हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो महाराष्ट्र हो, हाँ दिल्ली भी हो, उत्तर प्रदेश भी हो, हरियाणा भी हो, राजस्थान भी, और बुंदेलखंड भी, और महाराष्ट्र भी हो, एकदम अपरिचित क्षेत्र में चले गए, परिचित लोगों के बीच में चले गए, जब जब कुछ इस प्रकार का माहौल लगता था तो हम तो आचार्य भगवान को याद करते थे और इन्हें याद कर लेते थे, बस वही श्रद्धा का भाव ला लेते थे और वैसे ही काम सफल होते चले गए। बस उसी का वो सफलता का राज यदि कहीं मिला तो आचार्य भगवान के पश्चात यहाँ पर देखने को मिला। तो जीवन में यदि आप लोग भी कुछ पाना चाहते हो, सबसे कहना चाहते, चाहे वो साधु हो, चाहे वो श्रावक हो, कि वह श्रद्धा जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि परोक्ष में हमें कुछ भी नजर नहीं आता, न भगवान नजर आते हैं, नजर आते हैं, हमें तो प्रतिमा नजर आती है, मूर्ति नजर आती है, लेकिन उस मूर्ति में भगवान कैसे देखे जाते हैं, उस मूर्ति में मूर्तिमान कैसे देखा जाता है, यदि वो कला सीखने को मिली तो यहीं पर सीखने को मिली है। गुरु के प्रति कैसे समर्पण लाया जाता है, यदि कुछ सीखने को मिला तो यहीं पर सीखने को मिला। अभी हम जैसे ही प्रवेश करके महर्षि के कमरे में बैठे थे तो महर्षि ने सिर्फ एक ही बात कही, बड़ी गहरी बात है, गुरु के प्रति उपकार
का भाव हमेशा लाना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति वो भाव हमेशा लाना चाहिए जिसने हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से उपकार किया है। जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में आचार्य भगवान का उपकार तो अप्रतिम रहा ही है। पूज्यवर समय सागर महाराज जी का भी उपकार रहा है, ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था तक, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसी का उपकार रहा है तो निर्यापक मुनि कुंडल श्री सुधा सागर महाराज जी का। अब आप ये नहीं समझ लेना महाराज जी के चरणों में आकर के बैठ गए हैं तो गुणगान गाने शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि होती है ना आदत, होती है नहीं होती आदत, बोले जिसके पास जाओ तो उसके गुणगान गाना शुरू कर दो, नहीं है। हम पूर्ण निश्चल होकर के अंतरंग से कह रहे हैं, क्योंकि जो हमने पाया है, जो कुछ भी पाया है आचार्य भगवान की महती अनुकंपा से ही पाया है, और इसके बाद महाराष्ट्र की अनुकंपा से पाया। तो उपकारी को, हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा गुण होता है कृतज्ञता का गुण। यदि कृतज्ञता गुण हमारे भीतर वह नहीं आ पा रहा है, अन्य सारा हमने कितना भी क्यों ना पा लिया हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। वो तो वैसा होता है हाथ में मुट्ठी में बंधी हुई रेत की भांति है, धीरे धीरे फिसल करके निकल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह कृतज्ञता का भाव आ जाता है, वह कृतज्ञता का भाव हमें अंतरंग से मजबूत बनाने लगता है, हमारा बहुमुखी वह विकास शुरू कर देता है। तो यदि हम जीवन में विकास का पाना चाहते हैं, इस भाव को हमें अवश्य लाना चाहिए। पूज्यवर निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज जी मंच में बैठे हैं, सब लोग जानते ही हैं। छोटी सी कद काया, छोटी सी काया लेकिन बड़ी चोटी के खिलाड़ी हैं। संघ के सबसे छोटे कद के लेकिन सबके दिल को जीतने वाले, एकमात्र मुनि श्री प्रसाद सागर जी ऐसे हैं, वो कहीं पर भी चले जाते हैं और सब काम बना करके आ जाते हैं। किसी का काम कोई बिगड़ रहा हो तो वो सबका काम सुलटा देते हैं। एक विशेषता बता रहे हो उनकी, हाँ क्या महाराज जी क्या बोल रहे? वो ऐसा ऐसा इशारा कर रहे हो, नहीं नहीं आप किसी से पूछना, क्योंकि गुरुदेव का सबसे ज्यादा वरद हस्त यदि किसी ने पाया है तो प्रसाद सागर जी ने पाया। शुरू से लेकर अंतिम समय तक यदि किसी ने सेवा की है, देखो आप जानते हैं जो सौभाग्य किसी को नहीं मिला वो सौभाग्य मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी को मिला। अंतिम समय गुरु चरणों में रहना, इसका अर्थ है बहुत साथी से पुण्य चाहिए, तब कोई शिष्य उनके चरणों में रह पाता है। हर एक किसी की बस की बात नहीं होती है, कुछ समय के लिए आ जाना अलग है, लेकिन शुरू से लेकर अंतिम समय तक जो सेवा, जो वैयावृत्ति मुनि श्री प्रसाद सागर जी ने की है, दिन रात एक करके, चाहे कुछ भी हो, आहार हो ना मिले, स्वयं के लिए कुछ प्रतिकूलता कैसी भी उसे झेलते हुए, और सबके लिए वो वैयावृत्ति में हमेशा तत्पर रहते थे। संघ से बाहर जब भी कोई साधु किसी प्रकार से बीमार हो जाए तो सर्वप्रथम औषध उपचार की जब बात आती है तो मुनि जी डॉक्टर को, वैद्य को, औषध को तुरंत भेज देते थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो हमसे दूर है, ऐसा लगता था कि मुनि श्री हमारे निकट ही बैठे हुए हैं। भले ही क्षेत्र से उनकी दूरी थी, लेकिन भावों से उनकी निकटता तो हमेशा से बनी रही है। और एक के प्रति नहीं, संघ के सारे सदस्यों के प्रति, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा मुनि महाराज क्यों ना हो, चाहे वो आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी त्यागी व्रति भी क्यों ना हो, उनका वो वात्सल्य का भाव तो हमेशा बना ही रहता है। और मुनि श्री पद्म सागर महाराज जी बाकी कहाँ, शीतल सागर मंडी आ गए, हाँ। पद्म की भांति हमेशा, कमल की भांति खिले हुए रहते हैं। तो आज का यह मंगल दिवस बड़े बाबा के चरणों से दूर रह करके, इतने बड़े महासंघ से दूर रह करके, पूज्यवर गुरुदेव के आदि से वहाँ से विहार करते हुए यहाँ पर आना हुआ,
पर लग नहीं रहा है कि हम संघ से दूर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि संघ से दूर आकर के भी संघ में ही आ गए हैं। ऐसे ही मुनि श्री के चरणों में रह कर के जो वात्सल्य, जो आत्मीयता अभी तक पाई है, ऐसा विश्वास है कि आगे भी ऐसा ही, बल्कि इससे भी बढ़ कर के अब तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि अब तो आचार्य भगवान तो बचे नहीं। जब पिता चले जाते हैं उस समय बच्चे जो हैं क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ सूझता सा नहीं है, रास्ता सा नजर नहीं आता है। उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है गुरु के अभाव में, जो गुरु सम गुरु भ्राता आदि होते हैं, गुरु सम श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं, ज्येष्ठ मुनिराज होते हैं, उनके परम वात्सल्य, परम आत्मीयता और परम उस सारी जो चिंता को निश्चिंतता में बदल दे, तो ऐसा पूरा विश्वास है कि अब तो उनका वरद हस्त हमेशा बना ही रहेगा। और जब जब जीवन में आगे क्षेत्र में बढ़ते हुए कुछ किसी प्रकार की आवश्यकता होगी, तो वहाँ से यहाँ से इस प्रकार का मंत्र मिलता रहेगा, और मंत्र के मिलते ही सारी की सारी दुविधाएं, सारे के सारे कष्ट दूर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। और हमारे तो हुए हैं, जब हम उत्तर प्रदेश में थी उस समय एक महाराज जी ने एक मंत्र दिया था, और उसी मंत्र का प्रताप था, कितनी भी बड़ी विघ्न बाधा आए तो वो चुटकी बजाते ही छू मंतर हो गई। ऐसे ही भविष्य में भी आत्मीयता और लाभ हम सबको मिलते रहे, बस यही मंगल भावना है। बोले पूज्यवर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वीर सागर जी महाराज की। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हमें तीन तीन निर्यापक श्रवण यहाँ विराजित हैं। अब हम सब अपनी कर्मों को जोड़ेंगे, अपनी ओर से आप सब की ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना प्रदान करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु। ओम नमः सुदेव्या, ओम नमः सुदेव्या, ओम नमः सुदेव्या। पार्श्वनाथ भगवान की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी बने रापक मुनि श्री समय योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी, वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पाठशाला में पढ़ा था, वो महाराज जी ने प्रवचन बोल दिया कि हाँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, जो है न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाग। हे भगवान, हम ज्यादा कुछ नहीं जानते, ना कुछ ज्यादा समझना चाहते हैं, बस ये दो पंक्तियां हमारे जीवन में उतर आए, समझ लो हमने सच्चे अर्थों में आपके मार्ग को पकड़ लिया है। लेकिन ये मेरी भावना है, तेरी भावना नहीं है, वर्तमान में सब तेरी भावना बन गई, इसलिए मेरी भावना का पट्टा साफ हो गया है। तो ऐसे भाव हमेशा करते रहना चाहिए कि जिन्होंने उपकार किया है उनके प्रति हमेशा हम उनके कृतज्ञ बने रहें, कृतज्ञ ना बने। एक बार आचार्य महाराज जी से किसी ने कहा कि महाराज जी क्या अंतर है, पहले मुनि महाराज जंगल में रहते थे और अब तो धर्मशाला में रहते हैं या उपवन आदि में रहते हैं। तो आचार्य जी बहुत अच्छा उत्तर दिया, आप लोग सुनना चाहते हैं कि पहले भी महाराज जी जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, आज भी मुनि महाराज जो हैं वो भी जंगलों में रहते हैं। जानते हो क्या कर जंगला, जब छोटे थे तो पूछते थे कि नारियल की शीशी कहाँ रखी है, तो माँ कहती थी वो जंगला के पास रखी, अच्छे से देखो खिड़की डोर को जो होता है ना, खिड़की जो खिड़की विंडो होती है ना, उसको बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, जंगला। याद आ गया ना, तो पहले भी जंगलों में रहते थे, अभी भी जंगलों में रहते हैं, बस दृष्टि का फेर है, समय बदलता रहता है।
आचार्य महाराज जी नहीं है, लेकिन आचार्य महाराज जी की कृपा दृष्टि से जो उन्होंने हमको सिद्धांत आदि बताए हैं, जो हमको मार्गदर्शन दिया है, बड़े मुनि आज का बरद हस्त सबके ऊपर है, पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, ये सबका है, उन सबके मार्गदर्शन में पूरी टीम बनी हुई है। और ध्यान रखना, कभी भी कोई भी खिलाड़ी कोई भी देश जीतता है तो व्यक्तिगत नहीं जीतता है, पूरी टीम जीतती है। जिस स्थान पर जिस क्षेत्र में पूरी टीम वर्क से काम होता है, चाहे समाज का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, धर्म क्षेत्र का हो, पूरी टीम काम करती है एक साथ में, तो वहां हमेशा अपने आप जीत तो हासिल होती रहती है। संत के पास वह व्यक्ति पहुंचा, गरीब मजदूर था, उसने कहा भगवान मेरा कल्याण करो, मैं बहुत गरीब हूँ, खाने का ठिकाना नहीं है, कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो संत ने कहा भाई मेरे पास एक छोटा सा गधा है, इसी को तुम ले जाओ। ठीक है, संत से जो मिला वही काफी है, बड़ा प्रसन्न हो गया, अब गधा मिल गया, हमको मिल गया, गधा मिल गया है, अब इसके ऊपर थोड़ा अपना मिट्टी वगैरह ले जाएंगे, ईंट ढोला देंगे तो मुझको रोजी रोटी मिल जाएगी, मुझको पैसे भी थोड़ा अच्छे से मिलने लगेंगे, मेरा सहारा बन जाएगा। वो गधा को लेकर के प्रसन्न होकर के आगे बढ़ने लगा। संत ने अच्छे भाव से उसको दिया था कि इसकी सहायता करना, इसकी हेल्प हो जाए, इसका कुछ अच्छा हो जाए, संत की कल्याण करने की हमेशा भावना रहती है। जो नदी होती है टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, उसका पानी हमेशा मीठा रहता है, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, हमेशा उसका रस तो मीठा हो सकता है। कदाचित संत ऊपर से टेढ़े मेढ़े तो हो सकते हैं, पर दिल के तो मीठे होते हैं। तो संत ने इस भावना से उसको दे दिया गधा, लेकिन क्या करें, किस्मत अपनी अपनी होती है। कुछ दूर चला और गधा जाकर के मर गया। अब गधा मर गया, वो बड़ा दुखी हुआ कि संत ने अच्छे भाव से हमको दिया था गधा, और गधा यहाँ पर रस्ते में मर गया। उसने गधे को वहीं दफना दिया और वहीं बैठ करके रोने लगा। कोई राहगीर वहां से निकला, उसने सोचा कि अरे कोई दिव्य आत्मा यहाँ पर दिवंगत हो गई है, तभी से व्यक्ति रो रहा है। उसने कुछ पैसे लिए और वहां पर चढ़ा दिए। दूसरा व्यक्ति और आया, उसने कुछ पैसे लिए वहां पर चढ़ा दिए। अब वहां पर पैसों का ढेर लग गया। अब वो बेचारा गरीब सीधा साधा मजदूर था, सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा, कैसा करूंगा। वापस संत के पास पहुंच गया। संत से कहा, संत भगवान, हे भगवान, ये ऐसी ऐसी घटना घट गई, पैसा क्या करें। संत ने कहा, मैंने तुम्हें अच्छी भावना से दिया था, जिस जो गधा जिंदा रह करके भी तुम्हारा अच्छा उपकार नहीं कर सका, सुनना, जिंदा रहने के बाद भी उपकार की बात चल रही है, जिंदा रहने पर भी उपकार नहीं कर सकता है, देखो मैंने अच्छी भावना से हमको दिया था तो मरने के बाद भी तुम्हारा उपकार कर रहा है। लेकिन ये भारत है, यहाँ अंधविश्वास बहुत चलता है। लोगों ने क्या समझा कि दिव्य आत्मा यहाँ पर निर्माण को प्राप्त हो गई है, इसकी जमानत हुई है, किसी की अच्छी समाधि संलेखना हो गई वहां पर, या किसी की मस्जिद मजार वगैरह ऐसी बन गई है, तो देखा सी कि लोग वहां पर चढ़ाने लगे। उन संत ने समझाया, इसको पैसे मिले हैं, इसका सदुपयोग करना, अपने आजीविका का नहीं करना, किसी विद्यालय में, किसी गरीब की सहायता में, किसी की चिकित्सा में आदि उपयोग करना, इस पैसा मिला, क्योंकि भारत देश है, यहाँ ऊपर से नीचे अंधविश्वास ही हो चलता रहता है, इनको बदलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैन दर्शन ऐसा दर्शन जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है, अंधविश्वास से विश्वास नहीं रखता है। और कर्म सिद्धांत यही कहता है, आचार्य हमेशा कहते हैं कि विपाक बचत ध्यान में ध्यान करें। कल महाराज जी ने शंकर समाधान में कहा था, जी का समाधान में कहा था कि यदि हमको अपने परिणाम को सुधारना है, अपने परिणाम को स्थिर रखना है, तो विचार करें जी समाज कर्म का उदय चल रहा है, ये हमने जैसे कर्म किए थे वह कर्म का उदय मेरे उदय में आ रहा है, बाद में कुछ भी नहीं है, ये जादू टोना और दूसरों पर सम्मोहन है, और किसी ने फितूरी कर दी है, मेरे दिमाग को घुमा दिया है, ऐसा ये सब अंधविश्वास की है। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है वो इन बातों पर अंधविश्वास पर बात करता है, जैसे कि उस गधे के मरने के बाद में वहां आने वाले लोगों ने किया था। इसलिए
जैन दर्शन कहता कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, जैसा कर्म किया वैसा फल हृदय में आएगा। इसलिए परिणामों को संभाल के रखो, जिन्होंने हम पर उपकार किया है उनके प्रति कृतज्ञ बनो। हूं नहीं कृतज्ञ कभी मैं, दूहे न मेरे और आवे गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दूसरो। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। अब हम सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। परम पूज्य निर्यावक स्वर्ण पूज्य मुनि पोंगो सदासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए अपनी मांगलिक देशना से हम सभी भक्तों को पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, हमारे बड़े भाई आचार्य समय सागर महाराज की जय। पूज्य निर्यापक स्वर्ण पूज्य सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। कल अपन पद्म सागर पुराण सुना था, आज अपन वीर सागर पुराण। पुराण पुराण किसे कहते हैं? जिसमें पुरानी बातें आती हैं उसका नाम पुराण कहलाता है। तो पुराने संस्मरण, पुराने इतिहास, पुरानी कथाएं महाराज ने सुनाई, पूरा जीवन व्रत सुनाया। अब इन दोनों पुराणों से, पुराण तो बच गया है, अब इन पुराणों से हमें शिक्षा क्या मिलती है यह महत्वपूर्ण है। पुराण में जो कोई किसी की कथा लिखी रहती है वह कथा उसके जीवन की होती है, लेकिन उस कथा को करने मात्र से, सुनने मात्र से जन्म जन्म के पातक क्षय हो जाते हैं। तुन संग कथा पिजगताम दुर्तानि हन्ति। जीवन महापुरुषों का होता है, उनकी जिंदगी की कई बार व्यथा होती है। महापुरुषों की जीवन की व्यथा भी उनके लिए व्यथा होती है, लेकिन महापुरुषों की व्यथा की चर्चा सुनना भी हमारे लिए कथा होती है। महापुरुषों के जीवन में जो घटित होता है वह एक व्यथा के रूप में सामने आता है, लेकिन जब वह अपने आप में कोई ऐसे पुरस्कार से भर जाती है कि वही व्यथा कथा बन जाती है। अपन लोगों की व्यथाएं तो हैं लेकिन कथा नहीं बन पा रही। व्यथा तो सबके पास है लेकिन व्यथा में कुछ ऐसी परिणति हो, व्यथा में कुछ ऐसी सुरभि हो कि वो हमारे लिए तो व्यथा रहे और जो सुने उसे कथा हो जाए। रामचंद्र जी के जीवन में जो कुछ घटित हुआ सब वो व्यथा थी उनकी, लेकिन आज उनकी व्यथा को जब पुराण में पढ़ते हैं तो हम व्यथा मान के नहीं पढ़ते, कथा मान के पढ़ते। व्यथा पढ़ने से दुर्तानि हन्ति दूर दूर नहीं होता है। उस व्यथा में यदि तुम्हें कथा की अनुभूति हो जाए, उस व्यथा में कथा की अनुभूति हो जाए तो वह कथा सुनने और करने मात्र से कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाती है। ऋषभ देव को 13 महीने तक अंतराय आया, ये उनका अशुभ कर्म का उदय था। सुकौशल महाराज को शेरनी ने खाया, अशुभ कर्म का उदय था। सुकमाल को शारिणी ने खाया, अशुभ कर्म का उदय था।
कोटि भट्ट राजा श्रीपाल को कोड निकला, अशुभ कर्म का उदय था। विदेही की अग्नि में परीक्षा हुई, अशुभ कर्म का उदय था। नैना सुंदरी को कोड़ी पति मिला, कौन से कर्म का उदय? अशुभ कर्म का उदय। उनके अशुभ कर्मों में ऐसा क्या था, ऐसी क्या उपलब्धि हुई कि आज उनकी जिंदगी की व्यथा कथा बन गई और आज जिनवाणी के रूप में वही व्यथा कथा के रूप में पूजी जा रही है। जिसमें वो व्यथा लिखी रहती है उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। हमें नहीं लगता है कि वो व्यथा है, हमें तो लगता है कि हम कथा पढ़ रहे हैं। और जब कथा की अनुभूति हो जाती है, समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारे कर्मों में बहुत जल्दी शुभता आने वाली, शगुन होने वाला है, क्योंकि तुम्हें कथा की अनुभूति हो रही है, तुम्हें सौभाग्य की अनुभूति हो रही है, तुमने उसकी शिक्षा ली है। दोनों महाराजों ने जो कुछ भी सुनाया, यदि आपने उसको सुनने के बाद कुछ आनंद की अनुभूति हुई तो ये तुम्हारे लिए कथा बन गया और पुराण बन गया। कभी भी कोई महापुरुष की जिंदगी का कोई भी संस्मरण आ जाए, उसको संस्मरण नहीं कहना। संस्मरण तो स्मृति के लिए होता है। कोई भी संस्मरण सामने आता है, श्रोता को कथा लगना चाहिए। मैं संस्मरण नहीं सुन रहा हूं, मैं एक कथा सुन रहा हूं। संस्मरण तो मन बहलाने के लिए होता है, संस्मरण तो समय बिताने के लिए होता है। चलो कुछ संस्मरण सुनाओ। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज कोई आचार्य जी का संस्मरण सुनाओ। मैं सुनाते ही नहीं। मैंने कि हमारे आचार्य श्री इतने छोटे नहीं थे कि उनके मैं संस्मरण सुनाऊं। हमारे आचार्य श्री इतने बड़े थे कि उनका हर संस्मरण कथा है, पुराण। और वो कथा की अनुभूति बनती है जब एक आनंद की उपलब्धि होती है। उपकार पाकर के हर व्यक्ति खुश हो जाता है। कल ही प्रसन्न था, कल ही तो था उपकार दिवस, है ना? कल था, कल ही बात कही थी, हमारे ऊपर उपकार हुआ है, हम खुश हैं। हमारे जीवन में कुछ भी हुआ है, बेटा पिता से खुश है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है, हमारे लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है, इसलिए हम खुश, बेटा खुश है। भक्त खुश है क्योंकि भगवान से बहुत कुछ मिल जाता है, मिलते ही है। अपन सब भगवान से बहुत खुश रहते हैं क्योंकि भगवान से हमें सदा मिलता रहता है। अपन गुरुओं से खुश रहते हैं, और कुछ मिले या नहीं मिले, कम से कम आशीर्वाद मिल ही जाता है। इसलिए हाँ, बजा दो ताली बजा दो, क्योंकि हमें मिलता है ना, ये कोई नई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जिसको मिला है उसको उतनी खुशी है कि नहीं, लेकिन जिसने दिया है वो आनंद से भर जाए तो दान होता है। कल कहा था ना, आहार लेने वाला खुश हो रहा है तो वो दान नहीं है, लेकिन आहार देने वाला खुश हो रहा है तो वह दान। मैं कहा था ना कल,
आप हार पेट भरता है महाराज का, खुश कौन होता है? दाता खुश होता है। बस यही है धर्म की खूबी, यही है सबसे बड़ा धुनन शिल्प करस पर शान मुर्जा किमपेक्षते, यही से शुरू होती है धर्म की कहानी, यही से शुरू होती है व्यथा का कथा में परिवर्तित होना, कथा में परिवर्तित हो। कार्य किसमें हो रहा है और आनंद कौन मना रहा है? पेट महाराज का भर रहा है और श्रावक नाच रहा है, उसके आनंद का पार नहीं, उसके आनंद का पार नहीं। महानुभाव, यह क्रिया मात्र एक उदाहरण रूप में तुम्हें समझा रहा हूं। इसी प्रकार अपनी जिंदगी में अपन उपकारों से भरे हैं, बिना उपकारों का किसी का जीवन नहीं है। कोई किसी से उपकृत है, कोई किसी से, बिना उपकार के जिंदगी चलती नहीं। अभ्यस्त विषातु श्रुतः और अनभ्यस्त विषयातु परतः, ये सूत्र है। अनभ्यास में हमें पर का आलंबन लेना ही पड़ता है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जितने भी तीर्थंकर भी क्यों, वे कुछ नहीं जानते, उनको भी सम्यक दर्शन पर निमित्त से ही होता है। तीर्थंकर जब मोक्ष मार्ग पर जाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, कुछ भी नहीं जानते, मोक्ष है कि नहीं, सिद्ध भगवान है कि नहीं, रत्नत्रय क्या कहलाता है, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, कुछ नहीं जानते तीर्थंकर, और मुनि दीक्षा ले लेते, कुछ नहीं जानते। आत्मा का किंचित मात्र भी स्वरूप तीर्थंकर को नहीं होता ज्ञान की अपेक्षा। आत्मा अरूपी है, वे मति शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मना पर है ज्ञान, वो अरूपी को कैसे जाने, जानते ही नहीं। तीर्थंकर हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं। तीर्थंकर जब मुनि महाराज बनते हैं, वे आत्मा को कुछ नहीं जानते, नित्य कुछ नहीं जानते, शाश्वत कुछ नहीं जानते, मोक्ष कुछ नहीं जानते। सिद्ध भगवान वहां सिद्धालय में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं, उनके ज्ञान का विषय नहीं है कि अनंत सिद्ध परमेश्वर सिद्धालय में बैठे, क्योंकि वे अरूपी है, और फिर भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़ते हैं मात श्रद्धा के बल पर, आस्था के बल पर। कुछ ऐसी परिणति उनके अंदर जागती है कि चलो, लग रहा है कि सच्चा मार्ग है, क्योंकि किसी सच्चे व्यक्ति ने कहा है, और वो चल पड़ते हैं, और एक दिन वो मंजिल भी पा लेते हैं। अपनी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं से अपन उपकार से भरे हुए रहे, ये बात तय है कि हमें उपकार की सिद्धि, ये दो बातें कहूंगा मैं। हमारे ऊपर उपकार तो बहुत है सब लोगों के, लेकिन हमें उपकार की सिद्धि नहीं हो रही। हमें गुरु ने मुनि दीक्षा दी है, उपकार किया, अब इस मुनि दीक्षा की हमें सिद्धि हुई है कि नहीं? गुरु महाराज ने हमें ज्ञान दिया, क्या ज्ञान की सिद्धि हुई है? माँ बाप ने तुम्हें मंदिर भेजा, क्या मंदिर की सिद्धि हुई है? तुमने भगवान का दर्शन किया, कैसा लगा? आप लोग भगवान का दर्शन करते हो, कैसा लगा? अच्छा लगता है, क्या भगवान की सिद्धि हुई आपको? क्या भगवान की सिद्धि हुई आपको? आपने नमोकार मंत्र की माला फेरी, बहुत अच्छा लगा, नमोकार मंत्र मिला, क्या नमोकार मंत्र सिद्ध हुआ? नमोकार मंत्र मिलना अलग चीज है, और नमोकार मंत्र की सिद्धि होना,
अपन को नमोकार मंत्र मिला कि नहीं मिला? अनादि काल से मिला, तो क्या हमें नमोकार मंत्र की सिद्धि हुई? भक्तांबर हमें मिला पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, क्या भक्तांबर की सिद्धि हुई? हमें क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला हमें, क्या उन सब की सिद्धि हुई? पिता ने पूंजी दी आपको व्यापार करने, क्या उस पूंजी की सिद्धि हुई? क्या वो पूंजी सिद्धि के रूप में परिणत हो गई? बस यही हमारी साधना है, यही हमारी तपस्या है, और पहला लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, हमें जिसने जो दिया है हम उसे सिद्ध करके दिखाएंगे। हमने एक व्रत लिया है, उस व्रत की सिद्धि होगी। मोटिवेशन, हमें किसी ने व्रत दिया है, कोई भी व्रत, जैसे होते ना अपन लोग भक्तामर के रोहिणी व्रत, रवि व्रत, अष्टान का व्रत, अष्टान का व्रत ले लिया, महाराज ने दे दिया तुम्हें, अब तुम्हारा काम क्या है? उस अष्टान का व्रत की सिद्धि हुई क्या? मैना सुंदरी को अष्टान का व्रत लिया था, उसने अष्टान का व्रत की सिद्धि करके दिखा दी और सामने देख लिया। सिद्धि सवाल है, जब भी कोई चीज हमें महसूस हो कि यह हमारे लिए उपकारी है, यह हमारे ऊपर उपकार है, जब भी हो, किसी भी चीज में हो, हम भी जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो पद्मनंदी पंचविंशती ने कहा, हे श्रवण, ये भोजन नहीं दे रहा है तुम्हें, साक्षात रत्नत्रय दे रहा है, मुनिव्रत दे रहा है। उसने भोजन दिया है, जिनवाणी पूछती है, उसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया कि नहीं किया है? क्या तुझे भोजन की सिद्धि हुई है? हमारे लिए कह रहा हूं, आपने भोजन दिया, अब मुझे सोचना है, भोजन तो ले लिया, मैं मर रहा था जिंदा हो गया, रत्नत्रय पड़ गया, इतने मात्र से नहीं, क्या भोजन की सिद्धि हुई है? क्या भोजन से सिद्धि हुई है कुछ? और भोजन से भूखी मिटी है कि कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हुई हैं? 24 घंटे का बताओ, तुम भूख से दुखी थे तो मात भूखी मिटी है कि 24 घंटे में कोई सिद्धि की प्राप्ति हुई है, यह निर्णय करना है। सिद्धि यदि प्राप्ति हुई है तो दिया हुआ दान तुम्हारा उपकृत माफ हो गया, और मात भूख मिटाई है तो वह ऋण हो गया, ब्याज चुका देना। यदि तुम्हें यह अनुभूति हुई कि मेरी भूख मिट गई, मैं भूखा था इसने भोजन दे दिया, मेरी भूख मिट गई, तो मात महानुभाव ऋण हुआ है, ब्याज लगेगा। और यदि इसने भोजन दिया है, इस भोजन को मैं 24 घंटे सिद्ध करके रहूंगा, इसने जिसके लिए भोजन दिया है वह मैं करके दिखाऊंगा। श्रावक कभी साधु को भूख मिटाने के लिए हार नहीं देता, मैं सदा कहा करता हूं, ये गलती कर मत बैठना, बेचारा साधु भूखा है, कोई तो चौका लगावे, कोई तो हार देवे, साधु मरे तो मर जाने देना, लेकिन साधु की भूख मिटाने के लिए चौका, साधु भूखा होता नहीं, और जो भूखे को हार देता है वो भिक्षु को नहीं भिखारी को हार देता है। साधु हार देता है, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज भूख को नहीं, पेट को नहीं, मुनि महाराज को देता है। किसको देता है? रत्नत्रय को देता है, तपस्या को देता है, प्रवचन करने वाले को देता है, सामायिक करने वाले को देता है,
प्रतिक्रमण करने वाले को देता है, 28 मुलुकों के पालन करने वाले को देता है, रत्नत्रयधारी को देता है, तभी तो आनंद आता है। 1,00,000 भोजन को भोजन करा दो तुम्हें वो आनंद नहीं आए, और एक महाराज को 1 ग्रास देने मिल जाए तो, यदि भूखे को आहार कराने का आनंद है तो तुम बारात में 1,000,000 को कराते हो वो आनंद नहीं आता। इसका अर्थ है कि आहार दान जब भी बनेगा भूखे को नहीं, मुनि को, रत्नत्रय को, इसके लिए। अब इस उद्देश्य से तुमने जो आहार दिया है, अब हमें सोचना है क्या इसकी सिद्धि मैं कर पाऊंगा, इस भोजन से। बता दूं एक अंदर की बात, महाराज लोग अपन सब उसमें आ जाएंगे। कई बार सामायिक में प्रमाद आता है, थक जाते थोड़ा शिथिलता आ जाती, नींद भी आ जाती, तुम्हारे आहार के कारण से नींद भग जाती, तुरंत जागते हैं, महाराज सो रहे हो, इसने सामायिक के लिए हार दिया था। अब यदि तुमने सामायिक को हार दिया और मैंने सामायिक नहीं की, उस दिन का भोजन ब्याज पे जाएगा, ऋण में चला जाएगा। तो तुरंत ऐसे बोला, अरे भैया नहीं तो ब्याज लग जाएगा, क्योंकि हार करके आया हूं और सामायिक नहीं की तो ये कर्जे में डल जाएगा। तुम्हारे आहार से मेरी सामायिक बिगड़ने वाली थी, लेकिन जैसे ही सुधारने का भाव आया, लो हमने आहार की सिद्धि कर ली। आहार सिद्ध हो गए, आहार सिद्ध हो गया, इतना भाव आया, अरे इसने आहार किस लिए दिया था, महाराज की सामायिक अच्छी, और मेरी सामायिक बिगड़ने वाली थी, तुरंत श्रावक ने आहार इसलिए दिया है और संभाल लिया, आहार की सिद्धि हो गई। श्रावक ने आहार दिया था स्वाध्याय के लिए, नहीं करना स्वाध्याय, देख लो आहार कर्जे में चला जाएगा। नहीं नहीं कर्जा नहीं कर्जा नहीं, स्वाध्याय का भाव नहीं हो रहा था, आहार की सिद्धि हो गई, हमने स्वाध्याय कर लिया। आहार लिया है इसलिए स्वाध्याय के लिए दिया, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, ऐसा भाव आना, ये आहार की सिद्धि कहलाती है। किस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य को पूरा करो, जिस उद्देश्य को दिया है उस उद्देश्य को पूरा करना ही हमें उपकार की सिद्धि है। कितनी चीजें, जैसे कल हमने कहा था, गुरु महाराज ने मुनि दीक्षा दी है कि नहीं, बोलो आप लोग बोलो, दीक्षा दी है नहीं दी है, हमें तो दी है। अब 24 घंटे हमें गुरु महाराज ने दीक्षा दी है या उनका उपकार है, लेकिन अभी हमारे पास ये मुनि दीक्षा कर्जे में है, हमें मुनि दीक्षा की सिद्धि करना है। और मुनि दीक्षा की सिद्धि क्या है, 24 घंटे निरतिचार चर्या को ध्यान में रखना ही मुनि दीक्षा की सिद्धि है, और वह सिद्धि की रू अनुभूति। जब भी अपने जीवन में उपकार हो, जब भी जीवन में अपना कोई हो, बस हमें उसकी सिद्धि करना है। किसी ने नमोकार मन दिया है, हमें सिद्धि करना है। अंजन चोर को नमोकार मन दिया, अंजन चोर ने क्या किया, नमोकार मन पढ़ लिया, नमोकार मन मिला है, शेठ जी ने उपकार किया है, हमें अब क्या करना है, सिद्धि करना, सिद्धि करना। अष्टान का पर्व हमें दिया है, हमें सिद्ध करना है। ये यदि अपने सबके मन में आए, सब कहीं ना कहीं से उपकार से, मैंने पहले का उपकृत है, मैंने तुम्हें प्रवचन दिया, बोलो ये उपकार है कि नहीं,
नहीं बोल दो महाराज उपकार नहीं है, आप जल्दी बंद करो हमारे प्राण निकल रहे हैं। प्रवचन उपकार है कि नहीं? अच्छा महाराज आए हैं, कल भी आए एक आए, तो आफत तो नहीं दिख रही है? कहाँ एक से एक चले आ रहे हैं, कहीं दूसरा रास्ता नहीं है? क्या पता भैया अंदर की बात है आप लोग, अब हम लोग तो क्या करें, अब दमोह तो आना ही पड़ेगा, हम करें क्या बताओ, उसके बिना रास्ता नहीं है। जाए तो इकट्ठे भाई, तब आफत आई कुंड दमोह पे, पचास पचास सौ सौ हारिकाएं यहाँ थी, आफत ही का घर था। और अब देखो गए सो यहाँ, महाराज हम यही करते रहे क्या? और आना पड़ेगा, तुम नहीं बुलाओगे तो भी हमें दमोह तो आना पड़ेगा। अब रास्ते ही वो ये क्या रहे क्या? कुछ पुण्यवान ऐसे जीव होते हैं कि उनको बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप हाँ बेटा एक कुंडलपुर के बड़े बाबा का उपकार है। कुंडलपुर के बड़े बाबा नहीं होते फिर तुम्हारी नाक रड़वाता, फिर भटक, फिर बुला लेते महाराज को, फिर बुला लेते तीन तीन संघों को। पूछ लो जहां बड़े बाबा नहीं है वो श्रीफल चढ़ा चढ़ा करके थक गए, किसका उपकार है, क्या उपकार है? बड़े बाबा का क्या उपकार है कि साधु आते जाते दमोह को अपने आप मिलते हैं, साधु अपने आप मिलते हैं, ये उपकार किसका है? अब इन साधुओं को सिद्ध करना तुम्हारा काम है। और यदि सिद्ध नहीं कर पाए तो ये कर्जा है, और कर्जा चुकाने के लिए तुम्हें खुद मुनि बनना पड़ेगा, तभी कर्जा चुकेगा। अंत सिद्धि करो। बड़े बाबा ने उपकार किया कि देखो हम बड़े बाबा के पास में है, दमोह में हम रहते हैं, ये बड़े बाबा उपकार है, इस उपकार को हमें सिद्ध करना है, इस उपकार की हमें उपलब्धि करना है, इस उपकार की सिद्धि से हमें आनंद से भरना है। हर चीज में करो, अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी चीजें आती हैं, बस यूजन थोरो हो जाती है, सिद्धि नहीं हो पाती। और सिद्धि का अर्थ होता है जो उपकार था उसको कभी पुराण का रूप लेकर सुनाने का भाव आ जाए तो समझ लेना उपकार सिद्ध हो गया, आनंद आया, आनंद आया है। कौन से उपकार की सिद्धि का तुम्हारे कारण मान लो कि सिद्ध हो गया? इसके दो कारण है। पहला तो हमने बता ही दिया, किसी के उपकार से उपकृत हुए हो तो उसकी सिद्धि जरूर करना, उपलब्धि जरूर करना। जिस पर्पस से उपकार हुआ है उसको साक्षात करके दिखाना है, उसको अपने अंदर चमत्कृत करना है। अष्टांका मिली है तो हम ऐसे बना देंगे अष्टांका कि आज के बाद लोग अष्टांका के नाम पर अपने सारे जीवन का अतिशय मानेंगे। हमारी जिंदगी में जो कुछ आवे वो हमारे बाद उस प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाए जो हमारे आने के पहले नहीं था। सिद्ध चक्र मंडल विधान कब था? मैना सुंदरी के पहले था कि नहीं? लेकिन मैना सुंदरी के बाद सिद्ध चक्र मंडल विधान को क्या मिला? प्रसिद्धि मिली। देखना, सिद्ध चक्र मंडल विधान से मैना सुंदरी को क्या मिला? 700 कोड़ियों का कोर दूर हुआ, पति का कोर दूर हो गया। सिद्ध चक्र मंडल विधान को क्या मिला? आहा,
आज सारे जगत में सिद्ध चक्र मंडल बनायन का अतिशय प्रकट। हम इस मंदिर में पूजा करते हैं, आनंद आता है, भगवान के माध्यम से अपन के पूरे कार्य हो रहे, अपन से भगवान को क्या मिला बोलो, भगवान को क्या मिला रे ओ नन्हे मंदिर वालों। देखो हम जिस मंदिर में बैठता हूँ वहीं की ठुकाई करता हूँ, दूसरे की नहीं बोलता हूँ, पीठ पीछे बुराई करना। बोलो नन्हे मंदिर के भगवान पारसनाथ को तुमसे क्या मिला, तुमने भगवान को नमोस्तु किया, किया बराबर किया। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, नमोस्तु करने से हमें क्या मिला अपन सबको मालूम, बहु क्या नहीं मिलता है। बस इतना सा बता दो, भगवान को आशीर्वाद देने से उनको क्या मिला, क्या मिला। गुरु ने अपन को दीक्षा दी, अपन धन हो गए, पक्का है। हम सब लोग उनके बहुत कृतज्ञ हैं। बस इतना सा पूछ रहा हूं, आचार्य सी को क्या मिला, एक बार बही खाता ये भी जमा ले। अपन ने अपने बही खाता तो जमा लिए, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला, हमें ये मिला। एक कलम वो भी लिख दो कि मेरे से उपकारी को क्या मिला, मेरे से इस नमोकार मंत्र को क्या मिला। माला फेरना, माला रखने के पहले बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। अंजन चोर ने कहा मुझे सेठ ने उपकार किया, मैं कभी इस मंत्र को नहीं जानता था। अंजन चोर ने कहा कि नमोकार मंत्र मुझे मिला, उसने तुरंत किया मैं अभी नमोकार मंत्र को कुछ दे के रहूंगा, और दिया। आज नमोकार मंत्र उसके बाद में प्रसिद्ध हो गया। कोई व्रत करते हैं हम, क्या व्रत हमें पाके धन हुआ है? हम तो धन हो गए व्रत लेकर के, क्या व्रत हमें पाकर धन हुआ है? हम मुनि बनकर धन हो गए, क्या हमें पाकर ये मुनि पद धन हुआ है? होता है, धन होता है। जितनी कथाएं करी आराधना कथा को, उनमें जितनी कथाएं लिखी उन्हीं की व्यथा कथा बनी है, जिनकी व्यथा से वह कथा धन हो गई, कथा धन हुई। जितनी कथाएं, सुगंध दशमी कथा, सुगंध दशमी कथा इसलिए नहीं महान हो गई कि उसने दुर्गंधा का दुख दूर किया था, सुगंध दशमी कथा इसलिए कथा बन गई कि वह कथा उसके बाद जगत में प्रसिद्ध हो गई। आज सुगंध दशमी कथा को जब कोई पढ़ता है, व्रत करता है, कौन सी कथा पढ़ते हैं? व्यथा, जिससे हमारी व्यथाएं दूर हुई हैं, क्या उस व्यथा से उस कथा को, उस व्रत को कुछ उपलब्धि हासिल हुई है? क्या वह व्रत कहेगा कि जब से इन्होंने ये व्रत किया है हम धन्य हो गए? शांतिनाथ भगवान की स्तुति में पूज्यवर समंतरभद्र महाराज ने यही बात कही, गजब की स्तुति है शांतिनाथ भगवान, गजब की स्तुति। उन्होंने कहा भगवान क्या माया है, दुनिया पर पृथ्वी ले, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो वह धन हो जाता है, लेकिन आप कैसे महात्मा थे जिस पृथ्वी पर धन हुआ वो पृथ्वी धन हो गई, जन्म लिया। हमारे लिए पृथ्वी मिल गई, जमीन मिल गई, हम धन हैं, हमारे पास दो प्लाट हो गए, लेकिन आप कैसे हैं कि आपको पाकर पृथ्वी धन हो गई? दुनिया माँ बाप को पाकर धन होता है, लेकिन भगवान आप कैसे थे कि आपको पाकर माँ बाप धन हो गए? बोलो, तीर्थंकर को पाकर के
बेटा बाप को पाकर माँ को पाकर धन होता है, ये तो अपन सब जानते हैं। अरे हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, हम धन हैं। लेकिन तीर्थंकर के जन्म पर समंतभद्र महाराज क्या कहते हैं, भगवान आप माता पिता को पाकर धन हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा डंडोरा पीट रहे हैं, हम ऐसे पापा को पाकर, ऐसे बेटे को पाकर धन। राजगद्दी जिनको मिलती है वे धन हो जाते हैं। हाँ क्या, जब राजगद्दी मिलती है तो आह, सुन रहे हो ना दुर्योधनो, अरे फूला नहीं समाता गद्दी, प्रधानमंत्री का शपथ समारोह हुआ, राजगद्दी मिलते ही बिल्कुल एक अलग स्पंदन होता है। ओहो इसी के लिए तो जी रहा था। राजगद्दी पाकर धन तो दुनिया होते हैं, मूर्ख होते हैं, दुर्योधन होते हैं, लेकिन प्रभु आपकी क्या माया है, आपको पाकर राजगद्दी धन हो गई, राज धन हो गया। दुनिया मुनि दीक्षा लेकर धन होती है, दुनिया धर्म को पाकर धन होता है। हे शांतिनाथ भगवान, आप मुनि दीक्षा लेकर धन नहीं हुए हैं, आपने मुनि दीक्षा लेकर मुनि पद धन हो गया है, धर्म धन हो गया है। धर्म पाकर के तुम धन नहीं हुए हो, धर्म आपको पाकर धन हो गया। मुझे ऐसी आत्मा, केवल ज्ञान की बात कही उन्होंने, केवल ज्ञान पाकर आप धन नहीं हुए हैं, केवल ज्ञान आपको पाकर धन हुआ। अंत में परम समाधि को आप प्राप्त हुए हैं, परम समाधि पाकर आप धन नहीं हुए हैं, परम समाधि धन हो गई है। और उस परम समाधि को मैंने दोई कि मुझे ऐसे महान, और अंत में उन्होंने मोक्ष की बात कही, आप मोक्ष पाकर धन हुए हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मोक्ष आपको पाकर के धन हो गए। बस ये जो अनुभूति पूज्यवर समंतभद्र महाराज का ये खोज थी, और कहीं हमें देखने में नहीं आया। सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये खोजी, और ये खोज करके हमें सबको दिया कि तुम अपनी जिंदगी में क्या तुम दाता धन हुआ है, क्या उसको आनंद की अनुभूति हुई है। जो कल कहा था हम गुरु से दीक्षा पाकर सौभाग्य को प्राप्त हुए हैं, क्या गुरु को भी लगा है इस शिष्य को दीक्षा देकर हम सौभाग्य को प्राप्त हुए हैं। ये अनुभूति यदि हमारे जीवन में आ गई तो बस हमारे लिए सिद्धियां चालू हो गई। और ये अनुभूति हमें आई है कि नहीं, ये सिद्धियां हमें हुई हैं कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष पुराण है पद्म सागर पुराण और वीर सागर पुराण। इन दोनों पुराणों की कथा बता रही है, ऐसी कथा बता रही है कि इन उपकारों की इन्होंने सिद्धि कर ली है। बिना सिद्धि के महिमा नहीं निकलती, बिना उपलब्धि के महिमा नहीं निकलती, बिना उपलब्धि के पुराण नहीं बनता। और वो उपलब्धि जब हो जाती व्यक्ति को तो उसके मुख से पूजा निकलती है, उसके मुख से भक्ति निकलती है, उसके मुख से गुणानुवाद निकलता है, उसके मुख से गुणस्तोकम सदुल्लंग तद बहुत कथा स्थिति। जिसने भगवान को सिद्ध कर लिया है, भगवान को सिद्ध कर लिया है, हमें भगवान मिले थे, हमारे ऊपर उपकार हुआ, हमने भगवान को सिद्ध कर लिया, हमने गुरु को सिद्ध कर लिया, गुरु को सिद्ध कर लिया, और वो गुरु की सिद्धि हुई है। हमारे ऊपर जो उपकार हुए हैं ये उपकार हमने माने हैं कि नहीं, ये कथा सुनाते हैं। जब कभी कोई प्रसंग आता है
तो अपने आप वो सुनाने का भाव आ जाता है। जब निमित्त मिलते हैं तो वो सुनाने का भाव आ जाता है। और ये अंदर जो सुनाने का भाव आया, यही बता रहा है कि वीर सागर महाराज के ऊपर जिन जिन ने उपकार किए हैं उनकी सिद्धि इन्होंने कर ली है। यदि सिद्धि नहीं कही होती तो हम इन दोनों के कथन को पुराण नहीं कहते। मैंने क्या कहा, इनके नाम क्या दिया, पुराण नाम दिया, पुराण। और पुराण तो पूज्य होता है, पुराण तो सिद्ध होता है, पुराण तो अनुकरणीय होता है, पुराण से तो कहीं से भी उठाओ शिक्षा शिक्षा ही मिलती है। अंदर की एक अनुभूति, ये प्रदर्शन नहीं कहलाता, ये उपलब्धि का एक ऐसी आनंद अनुभूति कहलाती है। कह डालो, मिला है मौका, कह डालो। पूजा नहीं करता है व्यक्ति, कह डालो। पूरी पूजा में भगवान की प्रशंसा के अलावा और है क्या? क्या है पूजा? अपनी निंदा, भगवान की प्रशंसा, इसी का नाम पूजा है। क्या भाव आता है? कौन बैठा है सामने, कह डालो जितना कह सको। एक पूजा, दो पूजा, पूजा में क्या क्या। और यदि आदिनाथ भगवान की पूजा पढ़ो तो पुरानी वाली, क्या आलोचना की है अपने आप की, क्या अकिंचित कर माना अपने आप को, और क्या आदिनाथ की प्रशंसा की है। यही सच्ची भक्ति, सच्ची पूजा, यही गुणानुराग कहो, यही कृतज्ञता कहो, यही कृतज्ञता करो और यही उपकार की सिद्धि हो जाएगी। अब हमारे लिए वह जो उपकार की सिद्धि होगी, हम सफल क्यों नहीं होंगे? सफलता का कारण गुरु महाराज ने मुझे दीक्षा दी है, अब हमें मुनि दीक्षा की सिद्धि करना है, आशीर्वाद को सिद्ध करना है, हमारे आशीर्वाद में सिद्धि हो जाए। हमने अभी दिया ही नहीं आशीर्वाद। मुनि दीक्षा के सिद्धि करो। हम आशीर्वाद देने के पहले सोचे कि मुझे कभी आशीर्वाद मिला है कि नहीं, मुझे कभी आशीर्वाद मिला है कि नहीं। आशीर्वाद देने का शौक तो सबको होता है, पहले बताओ आशीर्वाद कभी मिला है कि नहीं। हमें बताओ भाई, मिला है कि नहीं? हमें आशीर्वाद मिला है, रामटेक में देखा है, कुंडलपुर में देखा है, मुझे मिलाया कि नहीं? सबसे गवाह भरवा लिया। अब यदि मुझे अनुभूति हो जाए कि मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला है, और मैंने स्पष्ट कहा जब गुरु से जो मिलता है उस आशीर्वाद को हमें सिद्ध करना है, और उन्होंने जिस भावना से आशीर्वाद दिया उसको हमने पूरा कर दिया, मेरे आशीर्वाद में आशीर्वाद आएगा, 100 बार आएगा, क्योंकि मुझे आशीर्वाद की सिद्धि है, इसकी सिद्धि नहीं। गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है उसको मैंने सिद्ध कर लिया, और जब गुरु के आशीर्वाद को जिसने सिद्ध कर लिया, अब वो जहां भी हाथ उठाएगा वहां सिद्धि ही सिद्धियां करते हैं। मोटिवेशन, हम इस आशीर्वाद में अतिशय चाहते हैं, हम इस आशीर्वाद को चमत्कार बनाना चाहते हैं, हम इस आशीर्वाद में चाहते हैं कि मेरे आशीर्वाद में चमत्कार हो, मेरे आशीर्वाद में सिद्धि हो। कभी नहीं होगी महानुभाव, गुरु के आशीर्वाद को यदि तुमने सिद्ध किया है तो इस आशीर्वाद की सिद्धि करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सिद्ध हो जाएगा। गुरु का आशीर्वाद सिद्ध करना है, क्या तुम्हें अनुभव में आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में गुरु का आशीर्वाद सिद्ध हो गया है?
वो पॉइंट पकड़ो, कब कब आशीर्वाद दिए गुरु ने, कितने दिए, उनकी उपलब्धि कितनी है, उसकी सिद्धियां कितनी है, क्या वो आशीर्वाद सिद्धि का कारण बना, क्या आज वो आशीर्वाद कह सकता है हम उसको, आज वो आशीर्वाद सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया, देखो इनको आशीर्वाद मिला था, इस आशीर्वाद की ये महिमा है। तुम्हारे नमोस्तु से नमोस्तु में चमत्कार न बढ़े, तुम्हारे नमोस्तु से आशीर्वाद में अतिशय बढ़ जाए, जाओ नमोस्तु सफल हो जाएगा। तुम नमोस्तु में चमत्कार चाहते हो, मेरा नमोस्तु सफल हो जाए, समय अरे हो गया तुम्हें, नहीं तो मेरा डेढ़ घंटे के पहले गला लास्ट कह करके। हम चाहते हैं कि हमारा नमोस्तु सफल हो जाए, रिपीट करो, अपन सब चाहते, हमें भी ले लेना, प्रवचन करते समय ये मत समझना कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं भी एक श्रोता हूं, क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने उपदेश को स्वाध्याय में रखा है, इसलिए मैं तुम्हें प्रवचन ही झाड़ रहा हूं, मैं खुद स्वाध्याय कर रहा हूं। ये सबका भावना है, मेरा भी है, मेरा नमोस्तु सफल हो जाए, ये बनिया का काम है। अब देखना जैन बना रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद सफल हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार बेंगलोर।